इसका साइज देखो सबका सेम लग रहा है। इतने बड़े बड़े ओले ऐसे चटाचट चटाचट गिर रहे। जिंदगी में पहली बार देखे इतने बड़े बड़े ओले। कमजोर हो गई है ना, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बस खेलिए ये ओले पोले देखने। गिर गया क्या? ओहो मूलों में पैदा हुई थी क्या? परमात्मा इनको मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया। बहुत दिनों बाद सोई इतनी। हंडी छोरा हंडी हंडी काम करूंगा, काम के लिए माँ बाबू का नाम करूंगा। एवरीवन कैसे आप सब? होप करते हो आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी का जो व्लॉग है ना सुबह स्टार्ट हो रहा है, बाहर इतनी तेज ओले गिर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ना बाहर ना ठंडी वापस आ गई है और इतने प्यारे प्यारे ओले गिरे। मैं इतने टाइम बाद ओले देख रही हूँ तो आपको लेके चलती हूँ और ओले दिखाती हूँ। तो गाइस हमने देखा कि ना इतनी जोर जोर से आवाजें क्यों आ रही, उसके बाद गेट खोला तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं। यहाँ पे इतनी ठंड है गुड्डू, तो शिमला मसूरी और ये जितने भी पहाड़ वाले एरिया है वहाँ पे क्या हाल हो रहा होगा। इसका साइज देखो सबका सेम लग रहा है। ऊपर मशीन है ना भगवान के पास, कटिंग करके भेज रहे हैं। हाँ कुदरत से बड़ी चीज कुछ भी नहीं है। बाल है बहुत ठंड है, बंद करो घर। शोर देखो है, शोर कितना हो रहा है। और अब देख लो गेट बंद करती शोर खत्म। चीको को कल से भेज दिया स्कूल मिला दिला के। सुबह बारिश नहीं आ रही थी, पर सुबह वाला सीन तो बता क्या हुआ। अभी आंख लगी थी बस, तो ये अचानक से देखा एसी चल रहा था, एसी का बटन ऑन था। अपने आप ऑन हो गया पहले, पता है अपने आप ऑन हो गया। तो ये कह रही भूत तो नहीं है वाला, भूत भूत नहीं है, मुझे लग रहा है कुछ हुआ था। पर इतना कैसे हो सकता है, एसी चल जाए एकदम एसी चल जाए नहीं हो सकता। बटन और देखा बटन ऑन था फिर ऑफ करा, तब से नींद ही नहीं आई पता है। सूरज रात को कह रहा था मुझे जाना शिमला घूमने के लिए निकल के साथ, कल ही कह रहा था कल ही मैं घुमा के ले आऊं उसे, मैं घुमा ला जाओ, जाओ अब जाओ घूमने, चले जाओ एक काम करो चले जाओ। ऊपर टेंट लगा के थोड़ी देर बैठा दे रिक्की को, कैंपिंग कर ले ऊपर जाके। नहीं अभी मैंने उसको उठाया, मैंने कहा उठ जा उठी नहीं है, मैंने कहा चल ले शिमला में, कहते नहीं मुझे नहीं जाना भाई ठंडी तो नहीं हो रही है। नहीं भाई क्या ओले ना बचपन में देखे थे जब मैं छोटी थी ना, तुम्हारे घर के पास याद है उसके बाद आज देखे मेरे को, मैंने भी काफी समय बाद, मैं बहुत छोटी थी जब ओले गिर रहे थे घर पे। तू तो मेरे से और बड़ी है, छोटी है। कितनी छोटी, 2 साल की? उस टाइम ओले गिर रहे थे और उस तब तुम्हारा घर कच्चा था ना, ऐसे हमने बर्फ उठाए थे और ऐसे जमा किए था। तो मुझे ऐसा लग रहा है पायल की उम्र हो गई हम दोनों की। मेरे तो पिछले 4 घंटे से ना पाँव में ना ऐसे भड़क रहे हैं। हाँ मतलब मैं जब छोटा होता था ना मेरी माँ बोलती थी मेरे पैरों में ऐसे हो रहा, मैं तो दबा देता था फिर भी आराम नहीं होता था, पता नहीं किस वजह से होती। नहीं होता था आराम, होता है बॉडी में ना ये वीकनेस की वो है कमजोरी की निशानी। हम ऐसे क्या करते हैं, हम काम ज्यादा कर रहे हैं, काम ज्यादा कर रहे हैं रेस्ट कम हो रहा है इस वजह से। तो वहाँ से भाग के क्यों आ गई? मेरी बड़ी मुश्किल से 10-15 मिनट आग लगी थी, जैसे आग लगी सूरज भी आए उठाने कि ओले गिरे, फिर मैं फटाफट उठी, मैंने सोचा मैं आपको दिखाती हूँ ओले। मेरे को याद आ गया अचानक से, मैं उठी कि देखा कि यार यहाँ तो भूत था, मैं अकेले सो रही हूँ। तो भाई यहाँ पर जैद उठ गया है और जैद को मैं ओले दिखा देता हूँ। भाई साहब इतने बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं, पहले तो बहुत छोटे थे, अभी वाले ओले देखे कितने बड़े हैं। अपनी खिड़की के ऊपर ऐसे चटाचट चटाचट गिर रहे जैसे शीशा ही टूट जाएगा। इकट्ठे कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है भाई यहीं पे हमारा घर में शिमला बन गया। नहीं हाँ एक काम मैं कह रही हूँ आपको, कैंपिंग कर लो जिंदगी में पहली बार देखे इतने बड़े बड़े ओले। हाँ भाई मैं तो ढक दिया भाई क्योंकि बच्चे जाग रहे हैं, रखना जरूरी है भाई। कबूतर बहुत ठंड हो रही है तो कबूतर कबूतर मेरा कबूतर मुंह तो देख कैसे पड़ा है। जैद क्या हुआ, ठंड हो रही है? मुझे सबसे अच्छी यानी कि ये बात लगती है बच्चों को आपके नाम पता है। जैद ये मुंह कैसा बना लिया, धनुष जैसे बन के, आंख देखो बतक जैसी, मुंह भी बतक जैसा, बतक तू बतक, सो जाओ आपके पैरों में बहुत दर्द होगा। तो गाइस हम जा रहे हैं अपनी सोसाइटी के नीचे और आपको दिखाती हूँ, अब तो इतने बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं और ये ओला किसी सर पे गिरा ना तो उसका टंटोला फूलना 1001% है ही। अच्छा हमारे पास छतरी नहीं है क्या बाल? छतरी है पता नहीं कहाँ है। अगर छतरी नहीं है हमारे पास, छतरी है कहाँ है नहीं पता, वो है शिमला जाके देख रहा हूँ यहाँ देखो। अरे अभी जा रहा हूँ ऊपर, ये लो ना अभी को दिखाता हूँ। ओ ये बहुत ज्यादा ना कमजोर हो गई है ना, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। यार देखो हमारी बड़ी है, आ जाओ जल्दी आ जाओ, पहले कैमरा ले लो इसके अंदर, हमारा कैमरा ज्यादा जरूरी है, मेरे पास ले लो। अरे वाह पायल स्नोफॉल, मेरे को स्नोफॉल देख।
देखनी थी पता है, देख रहा हूँ ये स्नो कोल लिया है, ये ओला कोला ओला ओला कोले। ओहो हमारा तो लक्कड़ खराब हो जाएगा यार, वो वाला मैं नहीं खेलती ठंडे बहुत। चलो गुड्डू नीचे, बहुत ज्यादा ओले गिर रहे हैं अभी तो। मेरे बस की नहीं है ये ओले पोले देखने, मेरी पूरी बस की ओले देखने। मैं कह रही थी ना मुझे ठंड में लेके जाओ, आप लेके नहीं गए। चलो अब और देख के आते हैं। मेरे पास छतरी थोड़ी है, रात को ना जो है ना उस छत पे हम कैंपिंग करेंगे अपने वाली की। ठीक है मौसम अगर सही हुआ तो एक काम करेंगे, बॉनफायर भी करवा देना, पार को बहुत ठंड लगती है ना। क्या हुआ मत जाऊ, क्यों फिसल गई क्या? गिर गया क्या? ओहो शिट, में दर्द रहता है। गिर गया एक बात पूछो भैया, बर्फ देखने गया था, बर्फ तो दानों पे पैर फिसल गया, दर्द है क्या? चलो एक बार बीमार हो गए, चल चलो भैया लग गई बर्फ बहुत ज्यादा पड़ी, लेकिन पैर ध्यान से चल रखना। नहीं 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 अभी यहाँ से आराम से गिर गोलू, यहाँ गिरती ना माथा लुट गई जाके। आप अपना देखो मैं नहीं गिरती, गिर मत जाइयो चलो। बर्फ नहीं गिरनी चाहिए गोलू तेरे ऊपर, अब छत तो देखा है हमारी। ओहो बहुत तेज हवा चल रही है, ओहो गीला तो नहीं हो जाऊंगा मैं है? मैं यार हमारा सारा मैट वाइट हो गया है बोलू। ओहो छत देख, छत ओ भगवान, अच्छा पानी कैसे रुका हुआ है? अच्छा ये बर्फ की वजह से रुका हुआ है। शांति को बुलाओ ऊपर, कैसे करेगी वो खड्डा खोलना, बस बर्फ पड़ी हुई ना यदि। किस साइड किस साइड मुझे बताओ, मैं खोल, हर जगह खुली हुई है, बड़ी ठंड लग रही है यार है? हमारे पौधे वोधे सब हो गए, चल एक बीमार हो जाएगी यहाँ पे, चल नीचे नीचे चल फटाफट, चलो 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 जल्दी आ जाओ। भगवान परमात्मा कहाँ पंगे ले लिया ऊपर आने के, ओरे राम आराम से आराम से आराम से। भाई यहाँ पर जो मेरी जान है वो पापा पापा कर रही है ठंड में, कैसा लगा ऊपर घूम के? गया था ऊपर नहीं गया? मम्मी बोल, मम्मी तू का मम्मी बोलियो, तू का माँ माँ पाप 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 बोल पाप माँ बाप नहीं बोलती माँ। क्या हो गया, कौन सा गाना गा रहा है पल, कौन सा गाना गा रहे हैं? पापा का गाना गा रहा था यार। बेटी ठंड लग रही है, घुमा लो शिमला, घुमा के लो शिमला, घुमा लो उसको। नहीं यही शिमला बन रही है, मम्मी बोलते बेटा एक बारी, आज मम्मी बोलते नहीं बोलेगा, नहीं बोल रहा सब पता है इसको, पापा कौन है पता है इसको? पता है गोलू माँ और पायल माँ पापा है, मुझे लगता है वो हम दोनों को पापा मानता है। अच्छा आपको मम्मी और ले गुलगट्टी भी आ गई, गुलगट्टी भी आ गई, गुलगट्टी आजा बेटी आजा, गुलगट्टी भी आ गई, गुलगट्टी भाग क्या भाग क्या भाग क्या, गुलगट्टी आ गई, गुलगट्टी मना कर रही है। आप करोगे ना आपके बता देगा, आजा जल्दी भाई बुला। हाँ बेटा बोलो, सुबह भाई को बताइए ओले कितने गिरे हैं, भाई को बताइए। एक बारी सो रही थी तू भी, ये भी सो रही थी क्या? ये और ये सो रहे थे। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या क्या हुआ, क्या कह रहे? तो भाई यहाँ पर आ गए बहुत ही कमाल की डाइट, सुंदर सी, बहुत सारे इसमें प्रोटीन है। कब से शुरू कर रहे हम डाइट वाला? हम तो डाइट वाला शुरू करा हुआ हमने, नहीं जो बिल्कुल मजेदार करेंगे, जल्दी करेंगे, बस हमारी किचन फटाफट बन जाए, उसके बाद आप लोगों को जबरदस्त डाइट देंगे। बट अभी तो हम खा रहे हैं ना, आपको दिखाएंगे फिर कैसे बनती है, ताकि आप लोग भी अपने घर पे बना सको। तो अभी हम करने वाले हैं कैंपिंग की तैयारी, तो अभी लकड़ी वकड़ी नहीं है, मैं और सूरज जा रहे हैं लकड़ी लेने और साथ में कोयले लेने, है ना? और कुछ लेना है? थोड़ा सा डीजल या पेट्रोल जिससे आग जल्दी लगे। तो मुझे क्या लग रहा है सूरज, पिछले ना 25-30 दिन से ना ये वाली गाड़ी तो चली नहीं है, ये खड़ी गाड़ी चलाई आज मैं लेके गया था, गाड़ी लेके गया था अभी जब मैं सुबह बैंक गया था, ये गाड़ी लेके गया था, पर गंदी बहुत हो रही है, इसको ना साफ नहीं कर रहा कोई। कल सारी गाड़ी दिलवा देंगे एक बारी, इसको तो वहाँ से करवानी है और उसको बाकी ये कल जाएगी वहाँ पे कंपनी में, वहाँ सर्विस हो जाएगी, ये धुल जाएगी, ये भी और धुलवा लेंगे। तो भाई मुझे लग रहा है सूरज मौसम ना दोबारा बिगड़ेगा, है ना, बारिश होगी दोबारा, हमारी ऊपर कैंपिंग करेंगे बारिश में करेंगे कैंपिंग, और मजा आएगा नहीं उसके अंदर रहेंगे बारिश वारिश में, खाना वाना बना लेते हैं पहले चल के घर पे, एक बारी लगी रहा मुझे भी 200% बारिश आएगी। तो गाइस आप लोग कहाँ कहाँ से, कहाँ कहाँ ओले गिरे आप कमेंट करके जरूर बताना, हमें भी पता होना चाहिए कहाँ कहाँ बारिश हो रही है। तो अभी अभी रस्ते में हमने गाड़ी रोकी है, गाड़ी रोक के जबरदस्त से पापड़ी भल्ले पैक करवाए मैंने पायल के लिए, बहुत फेमस दुकान है यहाँ पे, दिखाता हूँ आपको भी। तुम खाने में लग गए? नहीं मैं आपके लिए लेकर आ रहा था, मैं तो ये तो खा रहा था। नहीं भाई खाएगा किधर, खाने के लिए लेगा ना, खा लो खा लो खाने दो, नहीं तो आपका नहीं नहीं मैं तो पैक करवा के ले जाऊँ, तो पैक कर दो, मुझे लगा आपने कुलचा बोले पैक करा, मैं कुलचा पैक करा रहा था, इनको मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया, मैंने बोला पैक करवा के लाओ, खुद खा रहे हैं बताओ, वाह भाई वाह, ये खा रहा है भैया, ये खा रहा है, मैं नहीं खा रहा। तो अभी अभी मैं थोड़े से दही बल्ले खा के आऊँ, बहुत ही कमाल के थे, गोलू पायल को जाके थोड़ा सा मुँह मीठा करा देंगे, सो आज वो सुबह से मैंने उठाया नहीं उनको एक बार भी,
कि थोड़ा आराम करना भी बहुत जरूरी है। मैं काम वाम में कर लूंगा, तुम आराम करो। भाई थोड़ी सी बारिश आई है और ये पूरा भर गया है सूरज। हाँ जी, नहीं ध्यान से निकाल रहा हो तो भाई हमारी टीम ना ज्यादा लापरवाह हो गई है। और ये देखो ये गिरा रखा सारा, ये भी तोड़ दिया किसी ने। भाई एक काम करिए, गाड़ी गुड़ी देनी ना बंद कर, बाहर कोई भी जाएगा एक्सयूवी लेके जाएगा, कोई और गाड़ी देनी नहीं किसी को भी। एक्सयूवी लेके जाते हैं जो भी लेके जाता है, मैं तो जाते नहीं, मैं तो सिर्फ बैंक किया था तब लेके जाता मैं। तो चीकू मुझे लगता है दोबारा बारिश आएगी। आज मम्मी देख रहे सुबह से सो रही है मम्मी, कल मम्मी सोई है इतना तो ये देख रहे हो ये पूरा जुगाड़ चीकू का है। चीकू है क्या भाई वैसे? पापा मैंने घर बनाया है। एंट्री तो है पर ये तली चीज क्यों दे रही है इसको? पागल हो गई क्या तू? ये तली चीज तुमको खिला रहे? अच्छी बात है। तो पायल मैडम को उठा देता हूँ क्योंकि जो हमारी मैडम है आज बहुत दिनों बहुत सोई है इतनी, तो इसलिए मैं उसको सुबह से उठा ही नहीं रहा हूँ कि भाई कुछ खा लेगी और सो जाएगी। पायल मैडम बेटा उठ जा। ओए बच्चे मोटू खड़ी हो, 7 बज रहे रात के। सात बज रहे हॉस्पिटल में चलना बेटे, चल सुन रही है? खड़ी हो, तेरे लिए कुलचे लेके आऊं, कुलचे खाएगी? चल आ जा खड़ी हो। तो भाई यहाँ पर हम गोलू मैडम को भी उठा देते हैं। आज तो पूरे जी से लिए गोलू। क्या टाइम हो रहा है पता है? 7 बज रहे शाम के। हाँ और क्या, किसी ने उठाया नहीं ना? नहीं। मैंने मना कर दिया, मतलब बिल्कुल भी कोई भी लड़की को नहीं उठाया मेरी। चल आ जा खड़ी हो। तू वहाँ क्यों नहीं सोई? वहाँ शांति थी पूरी। कोई बात नहीं, मैं तो सो गई। चले गया ठीक है, पहले बढ़िया सा माल लेके आऊँ तेरे खाने का। चटपटा चटपटा देख, खा के देख कैसे बताइए। पायल कैसा कुलचा है? तो कुछ अलग सा ही है। अच्छा लगा? ये मैंने स्पेशल बनवाया खड़े होके। अच्छा, मैंने बोला स्पेशल चीज दो मुझे कुछ। गोलू मम्मी आगे उसको खिला दे। तू खा के बता कैसा है? गोलू भी जोर दे अब तक। और क्या अब तक जोर दे? और क्या, मैं भी अब तक सोई हूँ। मैं सोई नहीं थी ना बिल्कुल, मेरी नींद ऐसी हो रही थी, मैं सुबह सो रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे मेरा लाडला गया, मेरा लाडला बेटा गया। आज आ मेरी कुकड़ी, आ मेरा मुंगड़, आज आ जा। कुछ खाना है? कुछ खाना है मम्मी? कुछ खाना है? कुछ प्लेट ले, गिरेगा नीचे प्लेट ले। अच्छा क्या खाना है? ये चटपटा खाते हैं? नहीं मिर्ची लग जाएगी इसको। और तू खाती है? तू अभी इतना तक खाने खाती है? ठीक है ठीक है दादा, ये खा लेना, ये भी अच्छा है। बस मेरा पेट भर गया, बाद में प्रॉपर नहीं खाएंगे। ये तो खा ले। हां इसको खाऊंगी मैं, दही बल्ला है ना। हाँ। ये भी मेरा फेवरेट है, चम्मच मंगाई है बच्ची को।